सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज भी यहां पर मौजूद रहे, साथ ही विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों को आमंत्रित किया गया था। इस कैफे का संचालन एक एनजीओ द्वारा किया जा रहा है जो देश भर में दिव्यांग लोगों के कल्याण के लिए काम करती है। हम इस समय मिट्टी कैफे में हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर शुरुआत इसकी हो चुकी है और सारा स्टाफ हम देखेंगे कि यहाँ पर है। इन्हीं लोगों में से शेफ भी हैं, इन्हीं लोगों में से सर्विस करने वाले भी हैं और काफ़ी बड़ी ये एक घटना हम इसको कहेंगे, ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में जहाँ पर लोग आते हैं अपनी समस्याएँ लेकर, वहाँ पर एक ऐसा इंतज़ाम किया गया है जिसने एक इतिहास रचा है आज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में। और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ सारे यहाँ पर जो स्टाफ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और स्वामी भी यहाँ पर हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस को सबसे पहले उनका स्वागत किया था। स्वामी जी कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ कहेंगे आप? कुछ बोलेंगे आप? बोलना चाहेंगे? मैजिक ऑफ एबिलिटी, वेलकम टू मिट्टी कैफे एंड टुडे बी हैप्पी हैप्पी टू माई सेल्फ बट टुडे ऑल डिजेबल हैंडीकैप्स इज कमिंग मिट्टी कैफे ओपनिंग एंड थैंक यू। तो ये काफ़ी एक बड़ी घटना है। हम आपको चाहेंगे कि आप यहाँ पर स्टाफ को देखें किस तरीके से जो है ये स्टाफ है और ये हमारे शेफ क्या क्या बनाते हैं। हाय सर, नमस्ते। ना हम बनाते हैं चिल्ली पनीर सैंडविच, मुंबई मसाला सैंडविच, चटनी सीख सैंडविच, मैगी बनाते हैं सर, वेज मैगी। सारी चीजें आप रोज बनाएंगे यहाँ? खिलाएंगे? बनाएंगे सर, बना के खिलाएंगे सर। हमारा बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे यहाँ पर, जज भी आएंगे और बहुत बड़े बड़े वकील भी आएंगे, बना के देंगे सर। आम का स्पेशल है सर, मिट्टी स्पेशल चाय सर, कूलर में देता है, वो पी ले सर, बहुत अच्छा रहेगा सर। ठीक है। और बीवी को तो ये हेलो, और ये इनकी पत्नी है, आप थोड़ा इधर आइए रूपा। और हमारा ये यूरानी है सर, हीरोइन है। आप क्या क्या बनाते हैं या सब कुछ इनसे ही बनवाते हैं? हम वड़ा पाव, छोला भटूरे, पनीर पनीर भुर्जी रैप और पनीर परोठा, आलू परोठा बनाएंगे। और इनसे क्या बनवाते हैं? इनसे क्या बनवाते हैं? उनसे क्या उसको परोठा बनाते हैं। कितने साल से आप लोग शादी शुदा? हम 7 साल से हो गया सर, इधर 7 साल हो गया। 7 साल सर, शादी हुआ के 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गए। हमारा शादी भी मिट्टी कैफे मैडम ने किया है। अच्छा, मिट्टी कैफे में शादी हुआ सर, बहुत बढ़िया। इनसे काम आपने सिखाया होगा इनको पराठा वराठा बनाना सर? नहीं सर, पहले से आता है इनको? उन लोगों को नहीं आता सर। तो आप दोनों मिट्टी कैफे में ही मिले पहली बार? हाँ सर, बहुत अच्छा। और ये कैरोलिन है, ये साइन का इशारा सिर्फ कर सकती है। जरा आप पहले ना हमें समझाइए क्या बताना चाहती है, कुछ बोल रही है। ये अपना नाम बता रही है कि इनका नाम है कैरोलिन जी। कैसा लग रहा है यहाँ पर जब इतने बड़े बड़े लोग आए, जज आए, सब लोग आए? मतलब दिल बहुत बड़ा हो गया, दिल है, बहुत बड़ा हो गया। और ये देखिए कि उसको इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट मिला। जो जस्टिस चंद्रचूड़ आए, उनसे बात किए, मतलब ऐसा बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। वो बोल रही है कि वो पैसा कमा रही है कि वो खुद के लिए नहीं कमा रही है। वो मतलब वो खुद के लिए नहीं कमा रही है, उसको वही पैसे से लोगों को हेल्प करना है इस लड़की को। बहुत ज्यादा इनके मतलब ये खुद पैसा नहीं कमा रही है, ये लोगों को हेल्प करना चाहती है, अपने जैसे लोगों को। वो हेल्प करना चाहती है, उसका जीवन का यही उद्देश्य है, वो कमाए और लोगों को वो हेल्प करे, ये लड़की कैरोलिन। So nice of you. ये एक ऐसी घटना है सुप्रीम कोर्ट में, हमने बहुत लोगों को हंसते हुए देखा है, बहुत लोगों को रोते हुए जाते हुए देखा है, बहुत लोगों को ऐसा भी देखा है जिनको समझ में नहीं आया कि फैसला उनके पक्ष में है कि उनके खिलाफ है, तो वो बाहर जाके समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो कुछ यहाँ ये घटना हुई है, इतने साल से हम लोग सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं, ये घटना अपने आप में हम ये कहेंगे कि ये अभूतपूर्व घटना है, क्योंकि ऐसी घटनाएँ यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। जिस तरह से अप्रिशिएशन मिला, सब लोग जज बैठे, गाना गाया गया, तो ये एक बहुत बड़ी घटना है। इस घटना के हम आज यहाँ पर साक्षी हुए हैं, ये सबके लिए अच्छी बात है।
और मैं अभी देख रहा था कि चीफ जस्टिस सबको जाते हुए कहते हुए जा रहे थे कि यू गो टू मिट्टी कैफे। इवन सोलिसिटर जनरल से मिले तुषार मेहता से, उनसे भी कहा हाउ आर यू सोलिसिटर जनरल, यू मस्ट गो टू मिट्टी कैफे। तो ये सपोर्ट जो आपको मिला है आज, इस सपोर्ट को आप कैसे देखें? उनका दिल तो बहुत बड़ा है, बहुत ही हम्बल है वो। तो आज जो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज एक मिट्टी कैफ़े है, जिनको जो चलाने वाले हैं उनको फिज़िकल इंटेलेक्चुअल या साइकेट्रिक डिसेबिलिटीज़ है, ये सिर्फ ये एक मिट्टी कैफ़े के बारे में नहीं है। हम मतलब जो एपेक्स जस्टिस इंस्टीट्यूशन इंडिया का जिन्होंने हमें एक जगह दिया है, इससे हम लोग बहुत जागरूकता क्रिएट कर सकते हैं पूरे विश्व भर में कि अगर हम लोग प्रगति का बात करते, डेवलपमेंट का बात करते, डेवलपमेंट सिर्फ डेवलपमेंट हो सकता है अगर वो सबको साथ लेके डेवलपमेंट हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जिसका शुरुआत आज हमने ये प्रयास किया है कि हमारे जितने टीम मेम्बर्स हैं वो आपने कैरोलिन से बात किया, रूपा भैरप्पा से बात किया, तौफीर हमारे लिए सबसे बढ़िया ब्राउनीज बनाते हैं, और इसका एक सपना है ये लड़के का कि वो हर महीने अपना पैसा जोड़ता है कि एक दिन वो और उसके जो पिता है अपना घर बनाएंगे, हर महीना ये पैसा। सब लोग कुछ ना कोई सपना यहाँ पे देखे, आपको भी मैं देख रहा था गाना जो आप गा रहे थे तो लीड कर रहे थे सबको। यस सर, तो आपको क्या लग रहा है, आप सपने पूरे होंगे आपके? यस सर, जरूर होंगे। तो ये पूरी टीम है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, और इस टीम के बहुत सारे लोग और भी हैं जो मैनेजर हैं। जी, उनकी मैनेजर जो है उनसे भी आप मिल सकते हैं। ये निकी हैं, ये यहाँ पर मैनेजर हैं। आपको कुछ कहना, आप कुछ कहेंगे? हाँ जी सर, माई नेम इज़ निकी और मैं बहुत ही खुश हूँ मेरे को यहाँ पे आने का मौका मिला। मतलब इतने अच्छे अच्छे लोग हैं और मेरे साथ, मतलब जो काम करते हैं, एलिना मैम है, स्वाति मैम है, और जितने भी हमारे स्टाफ हैं, मतलब विलफ्रेड सर, आयशा मैम, सारे इतने हेल्पफुल हैं, और कोई भी दिक्कत होती है इनसे एक बार बस बोलना होता है, ये सारी दिक्कतों का हल निकाल देते हैं। और मुझे ये तो अभी हल निकाल देंगे, लेकिन यहाँ बहुत बड़े वकील आते हैं और कुछ भी होता है तो वो कहते हैं कॉल द मैनेजर, तो उस बात के लिए आप तैयार रहिएगा पूजा। और इसे तो ये एक घटना है जो बहुत बड़ी है, और हमारे साथ कुछ एडवोकेट्स भी, हम चाहेंगे उनसे बात करें। आप अपना नाम बताइए। आई एम मोहिनी प्रिया। जी, एंड आप यहाँ पर आए हैं, कैसा आपको? इट इज़ अ वंडरफुल इनिशिएटिव, अभी हमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है इन कोर्ट नंबर 1 दैट दिस इज़ एन इनिशिएटिव वेयर ऑल द पीपल आर, यू नो, स्पेशल नीड्स पीपल, एंड आई थिंक वी शुड ऑल प्रमोट दिस, इट इज़ अ वंडरफुल, एंड द केक इज अमेजिंग। शेफ भी सामने खड़े हैं। Who's the chef? I need to. Husband, wife. Oh, this is too good. Congratulations. And we'll promote it as much as we can. तो ये एक घटना हुई है जिसके साक्षी सब लोग बने हैं, हम भी बने हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे NDTV के परिवार के जितने दर्शक हैं वो भी एक इस ऐतिहासिक अभूतपूर्व और एक ऐसी घटना जो सबके मनों को, सबके दिलों को सुकून देती है, उस घटने के साक्षी बने। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV।